Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 53 for that topic, hello alkanes and halogens. We have already discussed in detail the mechanisms of SN1 reaction and SN2 reactions. And we find that there are so many differences in them. Sometimes in the subjective question paper, the question may be asked there. Distinguish between SN1 and SN2 reactions. Okay. Or in NEET or JEE MCQs, so many MCQs will be framed on that. They are possible on that. Differences of SN1 and SN2. Which among the following is correct for SN1 reaction? Which among the following is not correct for SN1 reaction? Which among the following is true for SN2 reaction and which among the following is not true for SN2 reaction. So, yeah, aise questions ko agar confidently answer hame karna hai, then better to write here that difference between SN1 and SN2 and try to learn the concepts there. Okay. So, pehla simple point to hame maloom hai that it is substitution nucleophilic, no doubt. सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक पर वन और टू क्या मायने रखता है वन यानी यूनिमोलिक्यूलर इट इज यूनिमोलिक्यूलर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओके वो भी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ये भी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है पर ये कैसा है टू का मतलब बाइमोलिक्यूलर और That is called as second order reaction. ये second order reaction है. Okay. Then particularly we can say that here rate of reaction depends only on what active mass of that alkyl halide. Okay. एंड नॉट ऑन दैट OH पर SN2 में क्या हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रपोर्शनल टू वॉट एक्टिव मास ऑफ अल्काइल हलाइड हेलो अल्केन एंड ऑल्सो दैट रिएजेंट OH-. वेरी सिंपल एक्टिव मास ऑफ अल्किल हलाइड एंड एक्टिव मास ऑफ OH मास है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं उसे हम एक्टिव मास कहते हैं यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली सेकंड ऑर्डर क्यों कहते हैं बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर बिकॉज ये रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा है देयरफॉर सेकंड ऑर्डर और ये रेट ऑफ रिएक्शन एक ही सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है देयरफॉर इट इज फर्स्ट ऑर्डर सो वी कैन से दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दैट विल बी डिसाइडेड बाय द number of reactants on which the rate of reaction is dependent rate of reaction kis par dependent hai uske upar to ye SN1 SN2 ho gaya okay then another very important thing is that SN1 reaction is a two steps reaction with stable intermediate okay स्टेबल इंटरमीडिएट और यहां पे इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन SN2 जो है वो इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं उनको लगता है टू है तो टू स्टेप क्यों होने चाहिए वन है तो वन स्टेप क्यों होने चाहिए सो देयर इज नो इंटरमीडिएट Then they call a single step. मैंने कहा था सिंगल स्टेप डबल स्टेप कैसे रहती है डायरेक्ट फ्लाइट अगर हो गया जैसे हमारे पुणे से सैन फ्रांसिस्को डायरेक्ट यहां पे बैठे तो वहां पे उतरना देयर कॉल्ड एज द सिंगल स्टेप नो इंटरमीडिएट नो मिडल स्टॉप पर अगर दो स्टेप अगर हो जाते हैं मुंबई से चले गए दुबई और लंदन एंड देन वहां से चले गए यूएस में न्यूयॉर्क को ये दो फ्लाइट अगर हो गए बीच में एक इंटरमीडिएट आ जाता है एक पड़ाव आ जाता है देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट देन दैट इज कॉल्ड एज सेकंड दैट टू स्टेप रिएक्शन तो ये SN1 रिएक्शन टू स्टेप है वो सिंगल स्टेप है देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट
here the intermediate is a stable carbonium ion. Stable carbonium या carbocation is formed as intermediate. Okay, वो stable है और यहां पे क्या है, unstable transition state or activated complex is formed first. यहां पे unstable transition state बन जाती है और यहां पे that is particularly carbocation is formed first. Then here complete bond breaking of C dash X bond in first step, and complete formation of COH bond. Complete formation of C dash OH bond in second step. यहां पे होता है, तो यहां पे क्या हो जाता है और SN2 में क्या होता है, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग ओके ऑफ CX एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस होता है ऑफ COH occurs. ऐसा क्यों होता है, हमने देखा था यहां पे बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, SN2 में बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का और यहां पे क्या होता है, नो बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. स्ट्रेट है वो, राज्य मार्ग है, वहां पे पहले बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उसके बाद में बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा. सो सिंपल पॉइंट्स आर देयर. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म हियर, 50% प्रोडक्ट्स विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड 50% with inversion of configuration. Okay, और यहां पे क्या हो जाता है, that particularly you will find that 100% inversion of configuration. वो mechanism आप देख लो, बिल्कुल आपके ध्यान में आ जाएगा. यानी ये COH bond ऐसा बनता है. Okay, COH bond will be formed like this. ये यहां पे एक H है, यहां पे एक H है. Okay, और CBr bond इस साइड से था, प्रोडक्ट में उल्टा हो गया, छाता जैसा उल्टा हो जाता है विंड आने की वजह से. हमने देखा था, आप लर्न करो SN2 में कहीं, आपको याद आएगा. So 100% inversion is there called as the Walden inversion of the configuration. और यहां पे 50% retention and 50% inversion of configuration हो जाता है. Okay, अगर यह optically active है, for optically active alkyl halide racemic mixture is formed. ये racemic mixture बन जाता है, यानी 50% dextro rotatory and exactly 50% levo rotatory अगर आ जाते हैं तो उसे कहते हैं racemic mixture, optically inactive. और यहां पे क्या हो जाता है, the product with opposite optical activity is formed. Then रिएक्टेंट से अपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी. अगर रिएक्टेंट डेक्सट्रो रोटेटरी है
तो ये लीवो रोटेटरी हो जाएगा. इफ रिएक्टेंट इज डेक्सो रोटेटरी देन दिस विल बी लीवो रोटेटरी. ओके, तो ये पूरे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे. देन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 कैसी है, हमने देखा है दैट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हैज मैक्सिमम रिएक्टिविटी देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी हैज गॉट मैक्सिमम देन प्राइमरी. और यहां पे क्या है दैट टर्शियरी हैज गॉट मिनिमम देन सेकेंडरी, सेकेंडरी हैज गॉट मिनिमम देन दैट ऑफ प्राइमरी. यानी प्राइमरी अल्काइल यहां पे सबसे वीकेस्ट है SN1 के लिए. प्राइमरी अल्काइल इज हैविंग द मैक्सिमम रेट फॉर एसिड. तो उसके रीजंस वगैरह भी हमने इसके पहले वीडियो में बताए, जरूर ये करो, उसको गौर करो. ओके, देन स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल्स, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल्स कैन फेवर SN2. ओके, अटैकिंग जो है वो, क्योंकि बैक साइड अटैक करने की हिम्मत चाहिए. और यहां पे क्या है दैट वीक न्यूक्लियोफाइल्स प्रेफर SN1. CN माइनस जैसे वगैरह लिए आपने, NH2 माइनस CN माइनस, ये थोड़े वीक है, पर OH माइनस CL माइनस BR माइनस ये कैसे स्ट्रांग है. तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल्स कैन डू SN2 बिकॉज बैक साइड अटैक इज मेड पॉसिबल बाय देम एंड वीक न्यूक्लियोफाइल्स कैन डू SN1. तो ये पूरे पॉइंट्स जो दिए हैं मैंने 10, और एक पॉइंट यहां पे पोलर सॉल्वेंट्स फेवर द SN1 रिएक्शन एंड पोलर सॉल्वेंट्स डू नॉट फेवर द SN2 रिएक्शन. ये अच्छी तरह से रीड कर लो एंड विद दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ द दैट सब्जेक्टिव पेपर एज वेल एज ऑल MCQs विच आर फ्रेम्ड ऑन दैट. ओके, आई होप, आई एम कॉन्फिडेंट that you have understood this part. We shall meet again in the next lecture. So do subscribe to my Kateshwar Chemistry and Kateshwar Chemistry Shorts channel. Thanks a lot.